ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम एक और सामान्य विषय पर बात कर रहे हैं, जो है बच्चे जो एयरफोन लगा के रास्ते पर चलते हैं उनके विषय में। मित्रों, हमने कई बार समाचार आदि में देखा है कि एयरफोन लगा कर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन के नीचे आ गए। ऐसी हमने बहुत सी घटनाएँ देखी हैं, अर्थात सुनिए पढ़ी हैं। ये बहुत ही घातक है, हर कोई जानता है। रास्ते में कान में लगा लेंगे, बाइक आदि चलाते हैं, पीछे से गाड़ियां आती हैं, आवाज़ सुनाई नहीं देती है, थक जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है, पर लोग समझने को तैयार नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मित्रों, तकनीकी आती है हमें सही राह पे आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने हर तकनीकी को तोड़ मरोड़ कर उसके गलत रास्ते ढूंढे हैं और उन पे हम चले हैं। एयरफोन अच्छा है कब के लिए? यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, कहीं हैं, तो आप एक कान में लगा लीजिए। पहले एक कान का ही एयरफोन आया था, दो कान के नहीं आए थे, ये बाद में आए हैं। तो एक कान में आप लगा लीजिए, एक कान से आपको कुछ सुनाई देता रहेगा और आप बात करते रहिए, आपको अच्छे से सुनाई दे इसलिए वो लगा के आप बात करते रहिए। लेकिन उसको लोगों ने गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और गाना भी कैसे, भर आवाज में, भरपूर आवाज में, इतनी आवाज जिसकी कोई हद नहीं होती है। कई बार तो एयरफोन ऐसे लगे होते हैं कि वो एयरफोन लगा के कान में सुन रहे हैं और उसकी आवाज बाहर तक दूसरे बाजू में बैठे व्यक्ति को सुनाई देती है। ऐसा मैंने कई बार देखा है, मैं ये अनुभव से बता रही हूँ, कितनी आवाज तेज उसके कान में भरती होगी। और अक्सर विज्ञान ये कहता है कि जब तेज आवाज आए तो मुंह खोल देना चाहिए, क्योंकि वो आवाज कभी कभी आती है। ऐसी आवाज के समय यदि आप मुंह खोल देते हैं तो आपके कान के पर्दे फटने से बच जाते हैं। तो यदि कोई तेज आवाज आए तो ये कई बार कर देना चाहिए, सांस रोक के कहें तो भी अच्छा है, पर ये कर देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो बालक या जो लोग लगातार कान में एयरफोन घुसा के वो तेज आवाज से गाने आदि सुनते हैं, उनका क्या हाल होगा? एक बहुत ही विकृत मानसिकता बनती जा रही है लोगों की। मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं ट्रेन में सफ़र करती हूँ, मैं देखती हूँ रेलगाड़ियों में लोगों को कोई काम नहीं है, मोबाइल उठाएंगे, एयरफोन लगाएंगे, कान में लगाया, उनको कोई मतलब नहीं है आगे पीछे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको क्या हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। और वैसे ही कान में लगाए लगाए देखते देखते ट्रेन से उतर जाएंगे और चलने लगेंगे, रास्ते पे चलते चलते भी उनका ध्यान यूं ही है। एक वाहिया जोक बना है इस पर कि आजकल की पीढ़ी सभ्य हो गई है, संस्कारवान हो गई है, क्योंकि गर्दन झुका के चलती है। गर्दन झुकाना गर्व की नहीं, लज्जा का विषय होती है। जब लज्जा आती है ना तो गर्दन झुकाई जाती है, और ये मोबाइल उसे लज्जा की तरफ हमें ले जा रहा है। मित्रों, कुछ चीजें हमें समझनी होंगी कि जो चीज आ गई है बाजार में वो हमें घर में लाके बस उसको इस्तेमाल करना ये आवश्यक नहीं है, और इस्तेमाल करना है तो उसके क्या तरीके हैं। जैसे हमने तकनीकी में बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल किया है, टीवी हमारे घर में आया, लेकिन उसमें बहुत सारे चैनल ऐसे भी आते हैं, ज्योग्राफिक चैनल, बहुत सारे चैनल आते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि वो चैनल देखते कितने लोग हैं। अधिकांश लोग उल्टी सीधी चीज़ें ही देखते हैं। कितने बच्चे कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं, या कितने माता पिता उनको उस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं? क्योंकि जब तक वो खुद नहीं देखेंगे बालक कैसे प्रेरित होगा, नहीं होगा प्रेरित। वो बालकों को प्रेरणा देने के लिए माता पिता को उसका अनुसरण करना होगा। मैंने बहुत सी माओं को, बहुत से पिताओं को देखा है, बालक बाजू में खड़ा है वो मोबाइल में लगे पड़े हैं, बालक बाजू में बैठा वो मोबाइल में लगे पड़े हैं। मैंने एक दिन एक महिला को देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे, एक बालक उसकी गोदी में सो रहा है, एक बालक उसके बगल में बैठा वो वीडियो गेम खेल रही है। ये कैसी मानसिकता है? आपके पास तो इतने सुंदर खिलौने हैं खेलने के लिए, आप उनको छोड़कर, और बालक जब बीच में कह रहा है मम्मी, तो बीच में माँ उसको गुस्सा कर रही है, चुप बैठ, क्या तरीका है? यदि चुप ही बैठाना तो पैदा ही क्यों किया ऐसे बालकों को, आपने जन्म ही नहीं देना चाहिए आपको बालकों को। जब तक आप बालकों को संस्कार देने के लायक नहीं बनते हैं, मेहरबानी करके बालकों को मत पैदा करिए, जन्म मत दीजिए उनको।
जब तक आपके पास उनको देने के लिए समय नहीं है, मत लाइए विश्व में किसी बालक को, आप अधिकारी ही नहीं है उसके। बस आपने बच्चा पैदा कर लिया, क्यों? दुनिया के लिए, दिखाने के लिए, क्या हमारे यहां बालक है? क्या आवश्यकता है आपको बालक की जब आप उसको समय नहीं दे पा रहे हैं? जब आप समय नहीं देंगे, वो कहीं और समय अपना व्यतीत करेगा, वो इसी तरह व्यतीत करेगा, वो कान में भी लगाएगा, वो कुछ भी करेगा। फिर आप शिकायत करते हैं, अरे ये तो उद्दंड हो गया है। उद्दंडता सिखाई किसने? उद्दंडता के साधन दिए किसने? आपने स्वयं खरीद के दिए हैं। तो यदि आप बचाना चाहते हैं कि आप उद्दंड आपका बालक ना बने, तो आपको इससे बचाना होगा, अपने आप को, बालक को। बालक संस्कारवान तभी होगा जब माता पिता संस्कारवान होंगे, अन्यथा बालक को संस्कार नहीं सिखा पाएंगे, कदापि नहीं सिखा पाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, कई बार ये विषय बहुत परेशान करता है। इस विषय पे जितनी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि नए नए विषय हैं, नए नए जवाब हैं, नए नए सवाल भी हैं। तो यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं, तो वीडियो विवरण के वीडियो देखिए, वो हर तरीके के रोग को शमन कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। और यदि आपके बालों को कोई हानि हुई है ये कान से एयरफोन लगा के, क्योंकि इसके बहुत नुकसान हैं, मस्तिष्क खराब होने से लेकर बहुत सारे नुकसान हैं इसके, सर दर्द से लेकर ना जाने क्या क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज तक होता है। तो वीडियो विवरण की वीडियो देखिए, यदि यहाँ से मेरे पहले दर्शक हैं तो भी, और समस्या का समाधान चाहते हैं तो भी वीडियो विवरण की वीडियो देखिए, वो संपूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं आपके मन और मस्तिष्क को, देह को पूरी तरह से। सारे नियमों का पालन करिए, प्राणायाम करिए। वो वीडियो देखने में आपको 4-6 घंटे लगेंगे, समय दीजिए, क्योंकि वो समझे बिना आप करेंगे नहीं, और कर नहीं पाएंगे तो समाधान मिलेगा नहीं। और उन वीडियोस को देखने के बाद यदि कोई समाधान, कोई प्रश्न बचता है, तो आप वहाँ से नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखे बिना यदि आप कॉल करते हैं, तो मैं पुनः कहूँगी उन वीडियोस को देखिए, तो वीडियो संपूर्ण वीडियो देखे बिना मुझे कॉल ना करें, अर्थ नहीं निकलेगा उसका कुछ। और नया विषय कुछ जानना है, कुछ वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, टिप्पणी करिए, ये सब आप कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।